दोस्तों, आप में से बहुत लोगों ने ब्योमकेश बख्शी का नाम तो सुना ही होगा और हो सकता है आप में से कई लोगों ने इनका एपिसोड दूरदर्शन पर देखा भी हो। पर क्या आपको पता है, ब्योमकेश बख्शी एक भारतीय व बंगाली काल्पनिक जासूस है जिसे सर देंदु बंदोपाध्याय ने बनाया है और ब्योमकेश बख्शी का किरदार निभा रहे व्यक्ति का नाम रजित कपूर है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इन्हीं की बात करेंगे और जानेंगे कि क्या कारण रहा जिसके पीछे ब्योमकेश बख्शी पर आज के समय में 8 से 9 फिल्म बन चुकी है। तो चलिए दोस्तों, आपका ज्यादा समय न लेते हुए वीडियो शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत 1932 में होती है, जब ब्योमकेश के पिता महादेव बख्शी एक स्कूल में गणित के शिक्षक थे और घर पर पहाड़ा सिखाया करते थे। जब ब्योमकेश 17 साल के थे तब उनके माता पिता की तपेदिक से मृत्यु हो गई और बाद में ब्योमकेश ने छात्रवृत्ति के साथ विश्वविद्यालय पास किया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान और भारत की स्वतंत्रता के बाद ब्योमकेश सत्यवती और रजित हैरिसन रोड के मेस हाउस में रहते थे और सभी लोग उन्हें जासूस कहते थे, जो कि उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं था और इसीलिए उन्होंने अपने लिए एक नया नाम निकाला था, ब्योमकेश बख्शी सत्यवंशी के नाम से। सर देंदु बंदोपाध्याय ने 1932 से 1970 तक अपनी मृत्यु से पहले लगभग 32 कहानियां ब्योमकेश बख्शी पर लिखी थी। यह कहानियां शुरू में बंगाली भाषा में थी पर बाद में इसे हिंदी में भी लिखा गया। वैसे तो सर देंदु बंदोपाध्याय की कहानी बहुत ही अच्छी और अपराध पर बहुत गहरी सोच वाली थी, लेकिन सर देंदु बंदोपाध्याय ब्योमकेश बख्शी के ऊपर और कहानियों को जारी नहीं रखना चाहते थे, जिसके कारण उन्होंने 1938 से 1951 तक कहानियां लिखना बंद कर दिया और उस दौरान उन्होंने बॉम्बे में फिल्म के लिए स्क्रिप्ट लिखने का काम किया। पश्चिम बंगाल में अपनी वापसी के बाद ब्योमकेश की कहानियां अभी भी मांग में थी, इसलिए उन्होंने 1951 में चित्रचोर लिखी और अन्य कहानियां धीरे धीरे 1970 तक लिखी। सर देंदु बंदोपाध्याय ने ब्योमकेश बख्शी पर 32 कहानियां लिखी, किंतु असमय मृत्यु होने के कारण वह 33वीं कहानियां पूर्ण नहीं कर पाए। ब्योमकेश बख्शी की पहली कहानी सत्यान्वेंषी थी तथा 32वीं कहानी लोहार बिस्किट है। ब्योमकेश की मुलाकात 10वीं कहानी में सर देंदु द्वारा रचित बरोड़ा द घोस्ट हंटर में होता है। ब्योमकेश बख्शी पर आधारित पहली फिल्म 1942 में बनाई गई चिड़ियाखाना। 90 के दशक में ब्योमकेश पर आधारित एपिसोड दूरदर्शन में आया और इस एपिसोड में ब्योमकेश बख्शी का किरदार रजित कपूर ने निभाया। एक्टर रजित कपूर का लोकप्रिय एपिसोड ब्योमकेश बख्शी दूरदर्शन पर शुरू हो चुका था और 90 के दशक में इस डिटेक्टिव शो ने खूब सुर्खियां बटोरी। यूं कहें कि टीवी जगत में जासूसी की परिकल्पना इस धारावाही ने लिखी थी तो यह गलत नहीं होगा। इसके बाद से इसके ऊपर कई फिल्में बनते गई। जासूस ब्योमकेश बख्शी का सबसे पहला फिल्म सामने आया चिड़ियाखाना में, जिसके डायरेक्टर सत्यजीत राय और प्रोड्यूसर हरेंद्रनाथ भट्टाचार्य ने मिलकर बनाया था। इसके बाद इसके ऊपर कई मूवी बनती गई। उनमें से एक मूवी 2015 में आई, जिसमें सुशांत सिंह राजपूत ने अपना अभिनय ब्योमकेश बख्शी के किरदार के रूप में निभाया। तो ये रही दोस्तों काल्पनिक ब्योमकेश बख्शी की कहानी। आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप किसी और व्यक्ति के ऊपर वीडियो चाहते हैं तो आप हमें जरूर कमेंट करें। धन्यवाद।